कई शब्दों के इस्तेमाल ना करके हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोहन खेती करता है, तो हम ऐसा ना बोल के ऐसा बोलेंगे, मोहन एक किसान है। और जैसे कि मुझे आलू, टमाटर, बैंगन, भिंडी, तरोई, ये सब बहुत अच्छी लगती हैं, पर मैं ऐसा ना कह के बोलूंगी मुझे सब्जियां बहुत पसंद हैं। और जैसे कि शेर मांस खाता है, तो शेर एक मांसाहारी पशु है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अब यहाँ देखिए, पढ़ाने वाला व्यक्ति। पढ़ाने वाला व्यक्ति कौन होता है? अध्यापक। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कौन हुई? अध्यापिका। पढ़ाने वाला व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति है तो क्या लिखेंगे? अध्यापक। देखिए, चिट्ठी लाने वाला। चिट्ठी लाने वाला कौन होता है? डाकिया। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? डाकिया। डाकिया। अब ये देखिए, इलाज करने वाला। इलाज जो हमारा करते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? डॉक्टर। इलाज करने वाला डॉक्टर। डॉक्टर। अभी देखिए, कपड़े सिलने वाला। कपड़े सिलने वाले को क्या कहते हैं? दर्जी। जूते बनाने वाला। जूते बनाने वाला कौन होता है? मोची। मोची। चित्र बनाने वाला। चित्र बनाने वाला क्या कहलाता है? चित्रकार। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? चित्रकार। बनाने वाला चित्रकार। कविता लिखने वाला। जो कविता लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कवि। कविता लिखने वाला कवि। कवि। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कुम्हार। कुम्हार। एक बार और अभ्यास करते हैं। पढ़ाने वाला व्यक्ति अध्यापक, चिट्ठी लाने वाला डाकिया, इलाज करने वाला डॉक्टर, कपड़े सिलने वाला दर्जी, जूते बनाने वाला मोची, चित्र बनाने वाला चित्रकार, कविता लिखने वाला कवि, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। एक बार और पढ़िए। पढ़ाने वाला व्यक्ति अध्यापक, चिट्ठी लाने वाला डाकिया, इलाज करने वाला डॉक्टर, कपड़े सिलने वाला दर्जी, जूते बनाने वाला
मोची, चित्र बनाने वाला चित्रकार, कविता लिखने वाला कवि, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुमार। धन्यवाद।